फ्रेंड्स, एक बार नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अदर कोई प्लेटफॉर्म पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से परचेस करना चाहते हैं तो कैसे दोस्तों आप ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगी कि RBI की तरफ से एक नई गाइडलाइन आई है। नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में मैं इस गाइडलाइन के बारे में बताने वाला हूँ। इसी के चलते दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ में RBI के जो नई गाइडलाइन है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को ऐड करने की, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिए। अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट या अमेजोन में ऐड करने जाते हो, देखो मैं अभी लाइव आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन ऑन कर लिया है, जैसे कि अभी आप साइड में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखो, जैसे ही आप जाते हो यहाँ पे आप अकाउंट के ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सैप कार्ट एंड वॉलेट। इस वाले ऑप्शन पे दोस्तों आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने पर कुछ स्टाफ इंटरफेस आपका आ जाएगा, जैसे कि दोस्तों आप साइड में देख पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा कार्ड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे सैप है, बट दोस्तों यहाँ पे कार्ड को ऐड करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा। आप यहाँ पे कार्ड को कोई ऐड करना चाहते हो डायरेक्टली तो यहाँ पे कोई भी कार्ड ऐड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अभी दोस्तों आपके पिछले जो भी यहाँ पे फ्लिपकार्ट या अमेजोन में जो भी कार्ड ऐड थे वो दोस्तों यहाँ पे शायद 23 सितंबर 2022 से हटा दिए गए हैं, तो वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अभी जाता हूँ मैं अमेजोन पर। तो यहाँ पे देखो अमेजोन की साइट पर मैं आ चुका हूँ। अभी दोस्तों आप इसमें जाओगे और यहाँ पे दोस्तों आप इनके अकाउंट वाला ऑप्शन में जाओगे, तो अकाउंट के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आप कस्टमर केयर वालों को भी कॉल करोगे ना, वो भी आपको यही बताएंगे कि ये आपको ये गाइड करेंगे कि जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ अभी, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ यही प्रोसेस आपको वो बताएंगे ऐड करने की। बट दोस्तों वहाँ से आपका कार्ड ऐड नहीं होगा। देखो मैं लाइव आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे आप जाएंगे तो मैनेज पेमेंट ऑप्शन, ठीक, इस वाला ऑप्शन पर दोस्तों आप क्लिक करते हो। क्लिक करने पर कुछ स्टाफ से इंटरफेस आपका देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कोई भी कार्ड ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है डिफ़ॉल्ट परचेज सेटिंग, मैनेज किंडल पेमेंट सेटिंग, एडिट पेमेंट मेथड व करेंट ऑर्डर, मैनेज बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे कोई भी आपको अकाउंट ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने पर स्टाफ से ऑप्शन आ जाएगा, बट दोस्तों यहाँ पे कार्ड ऐड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अभी दोस्तों आपके पिछले जो भी कार्ड थे वो दोस्तों यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। अभी कब से रिमूव हुए हैं वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है जिसके द्वारा मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों RBI की जो गाइडलाइन आई थी 1 अक्टूबर 2022 को आई थी, जिसके द्वारा यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड थे वो दोस्तों अगर आपने 30 सितंबर तक उनको RBI की तरफ से नई गाइडलाइन के द्वारा तो उनको सेव नहीं किया था, वो अभी सभी रिमूव कर दिए गए हैं यहाँ पे दोनों वेबसाइट पर से, ठीक। तो दोस्तों अभी आपको कैसे ऐड करना होगा तो वो भी मैं आपको बता दूं। इनकी पॉलिसी ये है दोस्तों कि देखो पहले क्या होता था कि जब भी आपको कोई कार्ड या फिर किसी कोई मतलब कि कार्ड वगैरह या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करते थे तो दोस्तों आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो यहाँ पे लीक हो जाती थी, बट दोस्तों RBI की गाइडलाइन के द्वारा अब आपके कार्ड को टोकनलाइज सिस्टम कर दिया गया है। यानी दोस्तों आप अपने कार्ड ऐड तो होगा बट दोस्तों उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो यहाँ पे किसी फ्रॉड के हाथ में नहीं जाएगी, ठीक, फ्रॉड होने से आप बच पाओगे, ठीक। तो अभी आप कैसे कर पाओगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं जाता हूँ अमेजोन वेबसाइट पे, यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज करने जाता हूँ। तो जैसे ही आप परचेज करने जाओगे आपको स्टाफ से ऑप्शन आएगा, जैसे ही दोस्तों आप बाय नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कार्ड कैसे ऐड होगा। विदाउट दोस्तों परचेस आपका कार्ड ऐड नहीं होगा। जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ मेरा कार्ड देखो मैंने कल ही यहाँ पे ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पे मैं आपको जाता हूँ, ये देखो ये ऑप्शन दिखा रहा है पे विथ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड एंड ATM कार्ड। तो यहाँ पे बता रहा है यू कैन सेव योर कार्ड एज पर न्यू RBI गाइडलाइन। आपको न्यू RBI गाइडलाइन के द्वारा अपने कार्ड को ऐड करना होगा। तो कैसे ऐड कर सकते हैं, लर्न मोर का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो थोड़ा पॉलिसी आ जाएगी उसको आप पूरी रीड कर सकते हैं, बट दोस्तों रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो दोस्तों आप कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करने जाओगे तो दोस्तों मतलब कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ऐड करने के लिए एक बार ऐड हो जाता है तो आपको बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर दोस्तों इसमें आप बार बार भी ऐड करना चाहते हैं तो बार बार भी ऐड कर पाएंगे, और दोस्तों एक बार ऐड करना चाहते हैं और बाद में आप उसी डेबिट कार्ड से बाद में परचेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाओगे। कैसे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पे विद डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो एंटर कार्ड डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे एंटर कार्ड डिटेल्स के ऑप्शन पे दोस्तों आप क्लिक करते हो
तो क्लिक करने पर कुछ स्टाफ से इंटरफेस आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आरबीआई गाइडलाइन के द्वारा जो भी यहाँ पे एटीएम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड थे, वो उनका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम होता है ना, वो बंद हो जाता है। ठीक, तो आपको अगर आपका बंद है तो आप जब भी पेमेंट करोगे तो आपके पास एक एरर मैसेज आएगा, योर कार्ड नॉट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों आप उनका जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन है ना, उसको ऑन करवा लीजिएगा, तभी आप उससे पेमेंट कर पाओगे। ठीक, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों जैसे आप अपने एप्लीकेशन में आते हो, एंटर कार्ड डिटेल्स को ऑप्शन पे क्लिक करते हो, अपना कार्ड नंबर देना है, एक्सपायर डेट ये सभी देना है। देन दोस्तों एंटर कार्ड डिटेल्स को ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने पर दोस्तों आपका कार्ड ऐड होगा, और वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, एक ऑप्शन आएगा गाइडलाइन के द्वारा अपने कार्ड को आप सेव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, एक टिक का ऑप्शन आएगा सेव करने का, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे ना। और दोस्तों क्लिक करने के बाद आप इस कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट की, मतलब भले ही आप 50 रुपये का प्रोडक्ट करो या 100 रुपये का, एक बार अगर आप उस कार्ड से पेमेंट कर देते हो और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, तो दोस्तों आपका कार्ड यहाँ पे सेव हो जाएगा। वो तब तक सेव रहेगा जब तक आप उसको खुद से रिमूव नहीं करेंगे। अगर दोस्तों आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करोगे और डायरेक्टली आप अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दोगे, तो आपका कार्ड सेव नहीं होगा, वो एक ही बार मतलब ही एक्टिवेट होगा, बस एक ही बार उससे पेमेंट कर पाओगे, बाद में दोस्तों फिर से आपने वो डेबिट कार्ड ऐड करना होगा। तो ऐसा है, आप डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल वाले सेटिंग में जाके डायरेक्टली मैनेज डिटेल्स पे क्लिक करके आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को ऐड नहीं कर सकते। आपको दोस्तों ऐड करने के लिए उसी कोई प्रोडक्ट उस डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से परचेज करना होगा, तभी दोस्तों आपका कार्ड वहाँ पे ऐड होगा। और ऐड भी तब होगा जब दोस्तों आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। कि अगर आपका कार्ड ऐड नहीं हो रहा है तो कैसे ऐड कर पाएंगे, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि ऐड करने के लिए सिंपल सा आपको उस डेबिट कार्ड या उसी क्रेडिट कार्ड से आपको एक बार पेमेंट करना होगा, देन सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, तभी आपका यहाँ पे जो कार्ड होगा वो सेव होगा। ठीक, तो आई होप दोस्तों आप ये इन्फॉर्मेशन समझ पाए होंगे। और यहाँ पे देखो फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों में सेम प्रोसेस है, आप दोनों में दोस्तों इसी तरीके से अपने कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हो। ठीक, होप आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या अदर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे कार्ड को सेव करना सीख गए होंगे। अभी नई आरबीआई गाइडलाइन के द्वारा ये रूल्स निकले हैं जो मैंने आपको बताई है प्रोसेस, इसी प्रोसेस से आप ऐड कर पाओगे। तो आई होप आपको गाइस वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, क्योंकि आगे भी आपको नॉलेजेबल वीडियो समाचार पे मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।